नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसमें आज हम फोबिया, ये साइकेट्री डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोबिया यानी इरेशनल फियर अबाउट ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और स्टिमुलाई। ये एक प्रकार का एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। इरेशनल फियर यानी डर, और डर जो निरर्थक है, जिसको कोई आधार नहीं है। हम पूरी तरह समझते हैं कि ये डर से हमारे जान को, जीवन को कोई धोखा नहीं है, फिर भी हम वो चीज से डरते हैं, उसको हम इरेशनल फियर कहते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे अगर हमारे सामने छिपकली आ गई, तो काफी लोग छिपकली को देख के चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, जंप्स मारने लगते हैं, और उनको डर लगता है कि हमारे पास ना आ जाए। तो छिपकली से देखा जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना वो हमारे जान के लिए खतरा है, ना हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। वैसे देखा जाए तो उल्टा छिपकली को ही डरना चाहिए, क्योंकि हम उसे मार सकते हैं, लेकिन उल्टा हम ही उससे डरते हैं। ये हो गया फोबिया। अब काफी लोग कहते हैं मुझे, या मेरे पेशेंट्स मुझसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि डर तो सबको होता है, तो लेकिन डर जो है उसको फियर कहते हैं और फोबिया अलग अलग है, तो दोनों में क्या फर्क है? फियर ये बड़ा कॉमन है, ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है, हमारी बॉडी, हमारी माइंड का नेचुरल रिएक्शन। अगर हमारे जान को कोई खतरा है या खतरा दिख रहा है, तो जो रिएक्शन हमारी बॉडी देती है या ब्रेन देता है, उसको फियर कहते हैं। लेकिन फोबिया यानी जो अर्थहीन डर है, जिससे हम समझते हैं कि हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी हम डरते हैं, उसको फोबिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समुद्र के बीच में जहाज पे खड़े हैं, और अगर किसी ने हमको बोल दिया कि पानी में छलांग लगाओ, अब ऐसे सिचुएशन में अगर हमको तैरना नहीं आता है और किसी ने बोल दिया कि छलांग लगाओ, हम समझते हैं कि अगर हम छलांग लगाएंगे इतने गहरी पानी में तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ जो अगर डर है, अगर हम कांपने लगे, अगर हमको पसीना आए, तो ये जो है ये फियर है, और ये फियर होना भी जरूरी है। लेकिन अगर हम स्विमिंग पूल के बाजू में खड़े हैं और किसी ने हमको बोल दिया कि छलांग लगाओ, अगर हमको स्विमिंग आता भी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम छलांग लगाएंगे तो पूल ज्यादा गहरा नहीं है और हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी अगर हम पानी से डर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फोबिया। ये डिफरेंस है फियर ऑफ फोबिया। अब फोबिया के क्या क्या लक्षण है? तो अगर पहली बात तो ये है कि जिसको एक आधी पर्टिकुलर चीज का फोबिया है या वातावरण का फोबिया है, तो वहां जाने से ही वो आदमी अवॉइड करता है, वहां जाने से ही वो डरता है। लेकिन अगर वहां पहुंच भी गया, तो भी वहां जाने के बाद उसको पसीना छूटता है, घबराहट होती है, धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं। सबसे पहले वो बाहर निकलने की या वहां से दूर जाने की कोशिश करता है। ये हुए लक्षण। अब कितने प्रकार का फोबिया है? तो तीन टाइप में फोबिया है। एक है स्पेसिफिक फोबिया, यानी पर्टिकुलर एक चीज का डर या फोबिया, जैसे कि आग का डर, या पानी का डर, या ऊंचाई का डर, खाई का डर, या फिर बंद कमरों का डर, अंधेरे का डर। ये हो गया स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया यानी लोगों में जाने का डर, यानी वाइवा देने में या इंटरव्यू देने में डर लगता है, अनजान लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, या भाषण देने में डर लगता है, इसको बोलते हैं सोशल फोबिया। अगारोफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, यानी अगर जहां भीड़ भाड़ है, काफी लोग, काफी तादाद में अगर लोग है, जैसे कि मार्केट प्लेस है, या फिर कोई स्टेशन है, या फिर शादी है लेकिन वहां बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसे लोगों में जाने से डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अब हम यहां से निकल नहीं पाऊंगा, मैं वहां फंस जाऊंगा, इसको बोलते हैं अगारोफोबिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट है, एक है मेडिसिन का ट्रीटमेंट और दूसरा है साइकोथेरेपी। मेडिसिन यानी
जो लोग इस बीमारी से गुजरते हैं उनको कंटिन्यूस यही डर लगा रहता है। जैसे काफी लोग हैं जो मार्केटिंग का काम करते हैं या फिर ट्रैवलिंग जिनको जरूरी है रोज, अगर वो रोज डरते रहे कि मैं, अगर ट्रेन से उनको डर लगता है या फिर एरोप्लेन से जाने से डर लगता है, अगर ऐसे वो डरते रहे और काम छोड़ के बैठे तो कैसे होगा, उनको जाना तो जरूरी है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम एंटी एंग्जाइटी कुछ मेडिसिन देते हैं, या कोई स्ट्रेस से अगर गुजर रहे हैं लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो फोबिया के तौर पे होता है, तो टेंशन या स्ट्रेस के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उनको राहत मिले। दूसरा है साइकोथेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। इसमें क्या होता है, जो इरेशनल फियर्स है, इरेशनल थॉट्स है हमारे, जो हम समझते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है, तो उस चीज को हम मिटाने की या कम करने की कोशिश करते हैं। वो जो डर बैठा है हमारे मन में उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और इसमें ये थेरेपी काफी अच्छी काम में आती है। उसके बाद और रिस्पॉन्स, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, फ्लडिंग या डिसेंसिटाइजेशन, ऐसे काफी अलग अलग टाइप की थेरेपीज है। इंडिविजुअल काउंसिलिंग का भी अच्छा इसमें रोल है। इसके साथ हिप्नोथेरेपी या रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट को या व्यक्ति को रिलैक्स करके उन्हें कुछ पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, वो वातावरण में अगर वो गए तो उन्हें कैसे बिहेव करना है, वो रिलैक्स होके हम उनको ऑर्डर्स या सजेशंस देते हैं जिससे उनका जो मन में डर बैठा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाए। तो ये कुछ प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए हो या कुछ बात करनी हो तो हमारे केड़कर तुअनकर साइकेट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9503309619। ये वीडियो का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाना। अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाइए।